तीन एस्पेक्ट हैं जो आपका जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, जी। एक तो रिलीजियस या ट्रेडिशनल लोग कर रहे हैं कि ये इस्लाम की ट्रेडिशन के खिलाफ है, तो दूसरा है जो फेमिनिस्ट कर रहे हैं, फेमिनिस्ट वो उनका लॉजिक अलग है जी। वो तो तीसरा है जो टाइमिंग आपकी जो थी इस बार, पर्टिकुलर इस बार जो टाइमिंग थी कि आपने शो उस वक्त किया ये कंपटीशन जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए, बाढ़ आई तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, लोग ट्रेजडी में थे, तो एक तरफ ये शो हुआ, तो एक ये क्रिटिसिज्म हुआ आपका, इसका क्या आप जवाब दिया आपने? देखें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बना तो एक रिलीजन के बेसिस पर बना, जैसे हिंदुस्तान है वैसे अब पाकिस्तान है। अब उसमें डेफिनेटली रिलीजन प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिलीजन एक मतलब ये नहीं कह सकते कि सारे पाकिस्तानी मुसलमान हैं, एटलीस्ट 10% तो बाकी के क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, सिख हैं, सब है, उनकी सीट्स भी रिजर्व है वहाँ पर। अगर एक रिलीजन डोमिनेंट है तो हम बाकी के जो लोग हैं या उन पर मतलब फोर्सफुली वो सारे रूल्स उन पर डालें, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन अंडरस्टैंड, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे लीडर ने जिन्होंने जो सोचा था पाकिस्तान के लिए, वो एक सेक्युलर मुल्क था, मेजॉरिटी मुस्लिम, ये लोग भूल जाते हैं। वो समझते हैं इस्लाम का मतलब है पाकिस्तान इस्लाम है, पाकिस्तान इस्लाम नहीं है, लोग इस्लाम नहीं है, रिलीजन हमारी एक प्राइवेट चीज़ है, हम उसको एक मॉरल वैल्यूज के तौर पर सीखें और आगे लेकर जाएं। पर उसका बेस तो इस्लामिक रखा है ना? डेफिनेटली बेस इस्लामिक है, तो मगर आजकल की दुनिया और आजकल की सिविलाइजेशन के साथ काफी कोट किया है जिना को, जी जिना ने एक सेकुलर पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो क्या लगता है कि आप कोई डाइल्यूशन होगी उसमें या कोई जो उनकी स्पिरिट थी? देखिए, वो बस ये चाह रहे थे कि मेजॉरिटी मुस्लिम लोग पाकिस्तान में एंजॉय करें अपनी राइट्स, ठीक है। ओके, उनको शायद उस वक्त खतरा लग रहा था कि शायद मुसलमान हिंदुस्तान अगर वैसे बना रहे तो शायद वो एंजॉय नहीं कर सके, दे विल हैव टू बेयर अ लॉट ऑफ द अदर रिलीजन्स, तो आई कैन अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू, मगर सेक्युलर पाकिस्तान इज़ वॉट ही वॉन्टेड, जहाँ पर सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि सिख अपना रिलीजन इंजॉय कर सके, हिंदू अपना रिलीजन, पारसी अपना, क्रिश्चियन अपना, और बुद्धिस्ट या जोश जो भी जितने भी पाकिस्तान में हैं वो अपने रिलीजन को फॉलो करें। तो ये बात जो है ना डाइल्यूटेड ज़रूर हो गई है, लोगों ने पाकिस्तान को एक रिलीजियस मुल्क बना दिया कि नहीं जी ये इस्लाम है, बस ये खुदा का एक रिलीजियस मुल्क, ये नहीं है, हम पाकिस्तान पाकिस्तान है। उस सवाल में दोबारा आता हूँ जो कि फ्लड्स इस सिचुएशन में आपने जो उसको कंटिन्यू रखा जी, जो कंटेस्ट था आपका, इसका क्या फिर जवाब दिया आपने? वही मैं बताना चाह रही थी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती है, एक इवेंट करना कोई छोटी बात नहीं होती है, उसमें लोगों के पेचेक्स इन्वॉल्व हैं, उनके उनका हार्ड वर्क है, उनकी क्रिएटिविटी है, और हमारी जो कंटेस्टेंट्स मिस पाकिस्तान की वो अपने अपने मुल्क छोड़कर टोरंटो आती हैं यहाँ पर कम्पीट करने, अमेरिका से आती हैं, यूरोप, लंदन, नॉर्वे से भी लड़कियां आती, चाइना तक से लड़कियां आती हैं, तो इसकी कोई छोटी बात नहीं है। जो फ्लड्स हुए थे वो 3 हफ्ते पहले हुए थे शो से, अब उसके लिए हम भी मतलब हमने ये कोशिश की कि हमने जो भी फंड रेज किया वो हमने रेड क्रॉस को दिया, और रेड क्रॉस ने आगे जाकर जो करना है पाकिस्तान के लिए वो कर सकते हैं, हमने कंट्रीब्यूट किया, हमने कंट्रीब्यूट किया, तो दैट वाज द बेस्ट वे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें कहीं पर भी फंड रेजिंग हो रहे हैं तो वो एंटरटेनमेंट के बेसिस पर होते हैं, वो लाइक कोई टिकट खरीद कर नहीं आता अगर वहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट सेगमेंट ना हो, तो हमारा शो एक एंटरटेनमेंट सेगमेंट था, हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते थे, पोस्टपोन नहीं कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी लोगों की मतलब ओवरऑल यू कैन से पेचेक्स या रोजी रोटी का सवाल था, एंड वी कांट कट इट ऑफ, तो डेफिनेटली हमने इतना किया, कॉन्ट्रीब्यूट ज़रूर किया। जो दो आप एस्पेक्ट दूसरे हैं या फेमिनिज्म के, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि उसका जो फेमिनिस्ट जो हैं आपके पाकिस्तान की बुटर जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रही है, इसके बारे में बात करेंगे, कुछ और सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। सोनिया अहमद कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की जी पाकिस्तानी टैलेंट, पाकिस्तान की औरत की जी खूबसूरती है, तो उदा जो सैल्फ रिस्पैक्ट है उसनों लैके ये जरा शो शुरू किया, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड मुकाबला शुरू किया, तो वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जरा कॉन्सैप्ट है, पाकिस्तान बारे प्रभाव जो गलत बनाया जा रहा,
محمد علی جناح دا جو سیکولر پاکستان سی ریئل سپیرٹ جڑی ہے دی وہ دے چھ تھوڑی ڈلوشن ہوئی ہے اس کر کے انہاں دے جڑے وینچر نو بھی غلط ڈھنگ نال لیا جا رہا تے ہن رکاں گے ایک بریک لئی بریک تو بعد سونیا احمد نال کچھ ہور سوال جواب کرانگے